अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शारिक मोहित और आप लोग देख रहे हैं डब्ल्यू के साथ यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बताने वाला हाउ टू मेक अ ऐड टू कार्ट पॉप अप इन वू कॉमर्स वेबसाइट। तो आगे बढ़ते दोस्तों, सबसे पहले हम एक प्लगइन की तरफ आना है जिसका नाम है वू कॉमर्स ऐड टू कार्ट पॉपअप। ठीक है जी, प्लगइन में जाके हमें सर्च करना है। ये मैंने ऑलरेडी खोला है आप लोगों के लिए, फिर भी मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि इसकी मजीद डिटेल्स देख लेंगे हम। ठीक है जी, एक ऐड टू कार्ट पॉपअप ये आ रहा है, एक साइड कार्ट की बात नहीं कर रहे हम, पॉपअप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लगइन्स की डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी खोली हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई पेज रिफ्रेश भी नहीं होगा और व्यू कार्ट का बटन आ रहा होगा इसमें, और बोथ वेरिएबल और सिंपल प्रोडक्ट्स के लिए क्वान्टिटी भी इसके अंदर आ रही होगी, सारी चीज़ें आ रही होंगी। सही है, तो अब इसकी डेमो की तरफ देखते हैं। डेमो, हाँ डेमो भी देख लेते हैं कि डेमो कैसे आ रहा है और हमारे एक्चुअल में कैसे आएगा वेबसाइट के अंदर। जैसे ये है, मैंने ऐड टू कार्ट करा तो ये देखिए बेहतरीन हो गया, व्यू कार्ट आ रहा है, चेकआउट आ रहा है, कंटिन्यू शॉपिंग आ रहा है। अब इसको मैं अपने पास इंप्लीमेंट करके देखता हूँ। एक्टिवेट करा, प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किया हुआ है मैंने, इसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। एक्टिवेट करने के बाद हम ये इसकी सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स ये जी। ठीक है जी, सेटिंग में आने के बाद ये कह रहा है कि अलाउ यूजर टू, ठीक है, एनेबल व्यू कार्ट बटन, एनेबल चेकआउट बटन, ओपन स्पिनर, ठीक है जो लोडर चल रहा होता है, रीसेट कार्ट फॉर्म, ठीक है भी ये भी अलाउ कर दिया, और अपडेट कर देते हैं। सही है जी, ये इसके मजीद प्लगइन दिए हैं जो आपको यूज़ करना है, डाउनलोड करना है, वो करके डेमो देख के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी फ्री प्लगइन है सारे। और ये कह रहा है कि भाई फ्री वाले में ये ऑप्शन है, पेड वाले में ये ऑप्शन है, आपको लेना है तो ले सकते हैं, और इसका शॉर्ट कोड ये है जो कि प्रीमियम वर्जन के अंदर है। सही है जी, ये सारे प्रीमियम वर्जन में नए ऑप्शन दिए हैं जो कि यहाँ पे ये देखिए रेड कलर का आइकन आ रहा है बना हुआ, ये सब रिस्ट्रिक्ट हुए हैं। तो मैं इसको व्यू साइड करता हूँ। तो अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको हमारी नई वीडियोज मिलती रहें। तो ये मैं आ गया, ऐड टू कार्ट करता हूँ जी मैं, तो बेहतरीन हो गया हमारे पास, ये लेआउट आ रहा है। सही है, ये देखिए मैं क्वांटिटी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है जी, और अब ये चेकआउट पे भी जाएगा, और अगर आपको नॉर्मल ये होता है कि साइड में ऐड टू कार्ट आया था या फिर नोटिफिकेशन आता है, आप चाहते हैं कि भाई इसी पेज पे रहते हुए आपको दोबारा शॉपिंग करनी है, तो कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, दोबारा ऐड टू कार्ट करेंगे, दोबारा वो उसी के अंदर है एक प्रोडक्ट और ऐड टू कार्ट कर देगी। ठीक है जी, और अगर मैं चेकआउट पे जाता हूँ, देखिए चेकआउट पे वो ऑलरेडी यहाँ प्रोडक्ट ऐड हुई थी, उसी के अंदर उसने ऐड कर दी। वैसे व्यू यहाँ पे मेरे पास ये ऐड टू कार्ट का जो मेन्यू आइटम है वो आ रहे हैं सारे। ठीक है जी, और अब एक और प्लगइन देखते हैं हम। इसकी ये सारे ये फ्री प्लगइन थे, फ्री ऑप्शन थे इसके अंदर ना, आप जो चीज़ें इनेबल करनी है, जो चीज़ हाइड करनी है वो यहाँ से शो ऑफ हाइड कर सकते हैं। सही है, अब मैं आता हूँ दूसरे प्लगइन की तरफ। इसके प्लगइन में डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दूंगा मैं वीडियो के अंदर। अब मैं दूसरे प्लगइन की तरफ आता हूँ, कार्ट पॉपअप्स। ठीक है जी, कार्ट पॉपअप क्या है, किस तरह काम करता है देखते हैं। मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा कार्ट पॉपअप्स, डेमो को हम क्लोज करते हैं, इसको मैंने एक्टिवेट कर लिया। ये भी इसी तरह कुछ काम करता है, अभी ये देखते हैं किस तरह काम करता है, क्या शो कराता है चीज़ें। हम पहले वाला प्लगइन डिसेबल कर देते हैं, प्लगइन डिसेबल करते हैं जी, मैंने प्लगइन डिसेबल कर दिया। अब ये मेरे पास ये वाला प्लगइन इनेबल हो गया। ठीक है जी, इसकी सेटिंग्स आ रही हैं ऑलरेडी मेरे पास, कार्ड पॉपअप की, ड्रॉअर में चाहिए, पॉपअप में चाहिए, किस में चाहिए। मैंने कहा भाई ड्रॉअर पहले तो ड्रॉअर में दिखाओ कैसे आता है। सही है, मैंने इसको सेव करा और वेबसाइट को मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अब मैं व्यू कार्ड करता हूँ, देखिए कैसा आता हमारे पास। ये देखिए हमारे पास पहले ये जो है साइट कार्ड या ऐड टू कार्ड कहते पॉपअप आता था। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह खुलता था, ये हमें ऐड टू कार्ड साइड में ही दे रहा है, साइड बार के अंदर ना। ठीक है, इस प्लगइन का एक तो ये फायदा है,
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आप हमारी नई वीडियो मिलती रहे।